बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने मिट्टी का वर्गीकरण, भारतीय मिट्टियों की क्या विशेषता है, उसका अध्ययन किया था। आज मैं आपको मिट्टी की कौन सी समस्या है उसके बारे में बताऊंगी। जैसा मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा खेती करना है। खेती मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है। यदि मिट्टी उपजाऊ है तो कृषि उत्पादन अधिक होगा, जिससे देश की आर्थिक सामाजिक उन्नति अधिक होगी, क्योंकि हम लोगों का मुख्य धंधा खेती करना है। खेती मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है। हम देखते हैं मिट्टी दिन प्रतिदिन अनुपजाऊ भाग में परिवर्तित होती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी कृषि पर, कृषि के उत्पादन पर पड़ता है। प्रश्न ये उठता है कि मिट्टी अनुपजाऊ क्यों हो रही है? क्यों ऐसा इसलिए हो रही है कि मिट्टी का अपरदन हो रहा है, जिसके कारण उसमें उर्वरता का ह्रास हो रहा है, मरुस्थली भूमि का विस्तार हो रहा है, भूमि में क्षारीय भूमि की अधिकता होती जा रही है, भूमि बंजर भूमि बनती जा रही है, मानव द्वारा मिट्टी का शोषण हो रहा है, नगरीय एवं यातायात विकास के कारण कृषि भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो मिट्टी को अनुपजाऊ भाग में परिवर्तित करती जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भूमि अपरदन। भारत की एक चौथाई भूमि में अधिकतर अपरदन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जल पवन द्वारा भूमि की जो ऊपरी परत होती है या भूमि का ऊपरी आवरण, वो नष्ट होता जा रहा है, जिसे हम भूमि अपरदन कहते हैं। भूमि अपरदन से भौतिक क्षति के अलावा आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि भूमि की इस ऊपरी परत में ही वनस्पति के उगने के लिए आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं। इस सतह के नष्ट होने के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ जो शक्ति होती है, वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे रेगती हुई मृत्यु की संज्ञा भी दी गई है। भूमि अपरदन कई कारणों से होता है, जैसे वर्षा की प्रकृति, भूमि का ढाल, धरातलीय रचना, अत्यधिक पशुओं की चराई, वनों का वन शोषण और स्थानांतरण कृषि यानी चलवासी कृषि। अब मैं आपको एक एक पॉइंट को लेकर बताऊंगी कि किस तरह अपरदन भूमि में होता है। देखिए, सबसे पहले आता है वर्षा की प्रकृति। जब तेज वर्षा होती है, भूमि पूरी तरह जल को अपने अंदर सोख नहीं पाती है, अतः जल तेजी से बहता है और वो भूमि की जो ऊपरी परत है उसको बहाकर ले जाता है। तो जो उपजाऊ परत है वो आगे चली जाती है, अतः जिस जगह की परत आगे बहकर गई है वो भाग अनुपजाऊ भाग में धीरे धीरे परिणित होने
लगता है। इसी प्रकार शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर कि वर्षा कम होती है, मिट्टी छोटे छोटे कणों में विभक्त रहती है, भूमि में नमी की कमी होती है, तो पवन आती है और उस मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। तो जिस स्थान से मिट्टी को उड़ाया है उस पवन ने, तो वो भाग अनुपजाऊ भाग में परिवर्तित हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि जो मरुस्थली क्षेत्र है, सॉरी राजस्थान के भूभाग को ले लीजिए, वहाँ पवन के द्वारा ही अपरदन का कार्य होता है, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी भी धीरे धीरे अनुपजाऊ भाग में परिवर्तित होती जा रही है। दूसरा, भूमि का अपरदन भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। अधिक ढालू भूमि पर मिट्टी का अपरदन अधिक होता है। मैदानों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण भी अधिक होता है। तीसरा, धरातलीय रचना, ढीले कण वाली शैलों का अपरदन बहुत तेज और आसानी से हो जाता है, जबकि कठोर शैलों पर अपरदन धीरे होता है। चौथा आता है पशुओं की चराई। पशु जब चारा चरते हैं तो वे पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ लेते हैं, अतः जो मिट्टी की जो परतें होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। जब हवा तेज चलती है या वर्षा होती है तो वो मिट्टी की परत आगे की ओर निकल जाती है। वनों का शोषण भी भू अपरदन को बढ़ावा देता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध के रखती हैं। वनों की जब अत्यधिक कटाई की जाती है तो वनस्पति विहीन ढाल अपरदनकारी शक्तियों से अधिक प्रभावित होते हैं। स्थानांतरण कृषि, हिमालय के पर्वतीय भागों में विशेषकर उत्तरी बंगाल व असम में झूम की कृषि प्रणाली प्रचलित है, जिसके अंतर्गत वनों को जलाकर उनको साफ करके दो तीन वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होने पर भूमि को कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है व नई भूमि को साफ कर ली जाती है। इस क्रिया से वनों का तो नाश होता ही है, वनस्पति विहीन ढाल अपरदन के शिकार होते जाते हैं। यह कृषि प्रणाली मध्य प्रदेश में, हिमालय में खील, पश्चिमी घाटों में कुमारी कहलाती है। मिट्टी कटाव में एक बहुत बड़ी हानि यह भी होती है कि भूपटल की बारीक मिट्टी की परत तो बह जाती है, बड़े व मोटे कणों वाली परतें शेष रह जाती हैं। वर्षा का जल इस कड़ी मिट्टी की परत ऊपर से बह जाता है और मिट्टी द्वारा सूखा नहीं जाता। ऐसे क्षेत्रों में भूमि जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। पेयजल और सिंचाई के लिए भी जल की कमी हो जाती है। तो इन सब कारणों के कारण भारत के अंदर अपरदन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि इस अपरदन को नहीं रोका गया तो हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो धीरे धीरे अनुपजाऊ भाग में परिवर्तित हो जाएगी। अब अपरदन भी कई प्रकार से होता है, जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा। अब जल द्वारा अपरदन, जब तेज वर्षा होती है तो पहाड़ की ढालों से मिट्टी बह जाती है, समूची ऊपरी परत नष्ट हो जाती है मिट्टी की, इसे आवरण क्षय भी कहते हैं। एक अन्य प्रकार से भी जल द्वारा अपरदन होता है, वर्षा काल में नदियों में जल की बढ़ोतरी हो जाती है,
ये जल धाराएं अधिक गहराई तथा धरातल के पर अपरदन करके नालियां बना देती हैं, जिसको कि अवनलिका का कटाव भी कहते हैं। दूसरा, वायु अपरदन। शुष्क और अर्धशुष्क वन विहीन क्षेत्रों में वायु तीव्र गति से अपरदन का कार्य करती है। ग्रीष्म काल में विशेष रूप से रेत की आंधियां चलती हैं, जिसमें रेत या ढीली मिट्टी उड़ाकर ले जाती है। इन दोनों ही कारणों से भूमि पे अपरदन अधिक होता है। मिट्टी अपरदन के कई क्षेत्र हैं। भूमि अपरदन की ये समस्या एक तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आवरण अपरदन से मिट्टी की अमूल्य ऊपरी परत धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जिससे पर्वतीय ढाल कृषि के सर्वथा अनुपयुक्त हो जाते हैं। भारत में मिट्टी अपरदन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तीव्र गति से अपरदन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिलों में चंबल व यमुना के कछारी भागों में अवनलिका अपरदन के कारण भूमि बंजर होती जा रही है। अकेले इटावा में ही 48,000 हेक्टेयर बंजर भूमि पाई जाती है। नंबर दो, मध्य प्रदेश में चंबल तथा अनेक नदियों द्वारा अवनलिका का अपरदन तथा बाढ़ों के कारण लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो गई है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी प्रतिदिन 10 लाख टन से भी अधिक मिट्टी बंगाल की खाड़ी में बहाकर ले जाती है। गंगा नदी प्रतिवर्ष 30 करोड़ टन मिट्टी बंगाल की खाड़ी में जमा करती है। इससे भूमि अपरदन की व्यापकता का अनुमान हम लगा सकते हैं कि कितना तीव्र गति से अपरदन हो रहा है। इसी प्रकार दक्षिण हिमालय के दक्षिणी ढालों पर, विशेषकर शिवालिक श्रेणी पर भी मिट्टी अपरदन अधिक देखने को मिलता है। दक्षिण की लावा कपास मिट्टी पर वर्षा की अनियमितता का भी बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अधिक वर्षा होने के कारण, चिपचिपी होने के कारण मिट्टी शुष्क मौसम में सूखने पर यह मिट्टी चटक जाती है तथा कृषि पर इसका बुरा असर पड़ता है। पश्चिम बंगाल में भी अवनलिका का अपरदन हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार तमिलनाडु, कन्याकुमारी, सलेम, तिरुचिरापल्ली, चिगलपुट आदि जिलों में भी अवनलिका का अपरदन देखने को मिलता है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के राज्यों में वायु द्वारा अपरदन अधिक देखने को मिलता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, किशनगढ़ आदि जिलों में प्रति वर्ग किमी भूमि में 34 लाख टन उपजाऊ मिट्टी उड़ाई जाती है। थार का मरुस्थल का प्रसार अनेक राज्यों में बढ़ता जा रहा है। अब भूमि अपरदन के कई दूषित परिणाम होते हैं, यदि अतः इसको रोकना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसार भूमि अपरदन के कारण अचानक भयंकर बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन, उसमें अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। कृषि योग्य भूमि, उर्वर भूमि का नष्ट हो जाती है।
आवरण अपरदन के कारण भूमि में उपजाऊपन की जो उपजाऊ परत होती है ऊपर की वो नष्ट होने लगती है। भूमि स्तर या जिसको हम बोलते हैं भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर, वो भी धीरे धीरे उसका स्तर गिरने लगता है, जिससे कि सिंचाई के लिए जल की कमी हो जाती है। शुष्क और मरुभूमि जिसको हम बोलते हैं मरुस्थली भूमि का विस्तार बढ़ने के कारण जलवायु पर भी खराब असर पड़ता है। बीहड़ व बंजर भूमि में डाकुओं के शरण स्थल बन जाते हैं। वनस्पति का आवरण नष्ट होने के कारण इमारती व जलाऊ लकड़ी की समस्या तथा वन्य जीवों पर इसका खराब प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से सड़कों का विनाश शुरू हो जाता है और भूमि में भूमि अनुपजाऊ भाग में परिवर्तित होने लगती है, जिसका प्रभाव हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पर स्थिति पर पड़ता है। अतः मिट्टी की इस समस्या को रोकना बहुत जरूरी है। यदि नहीं रोका गया तो जो उपजाऊ भाग है वह अनुपजाऊ भाग में परिवर्तित हो जाएगा। अतः इस समस्या के लिए हमारी सरकार ने कई पंचवर्षीय योजनाएं भी चलाई हैं तथा अनेक उपाय किए हैं। भूमि को अपरदन को कैसे रोका जा सकता है या भूमि को मरुस्थली होने से हम कैसे रोक सकते हैं, इसका अध्ययन अब आपको आगे के लेक्चर में कराएंगे। धन्यवाद।